नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरि भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रावण सीता का अपहरण कर लंका लाने के बावजूद रावण सीता को स्पर्श क्यों नहीं कर सका, इसके पीछे की सच्चाई जानकर आज आप हैरान हो जाएंगे। रामायण के बारे में हमने पढ़ा भी है और टीवी पर इसे देखा भी है। रामायण की हर एक घटना आज भी हमारे जहन में तरोताजा है। कई सारे ऐसे सवाल भी हैं जिसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया है। एक ऐसी ही बात जिसके बारे में अक्सर हम सोचते रहते हैं, और वह यह कि लंका में लेकर आने के बाद भी रावण क्यों सीता माता को छू नहीं सकता था। आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। बेहद बलशाली रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श नहीं कर सकता था, और ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। सबसे पहले बता दें कि इस पौराणिक कहानी का विस्तार पूर्वक उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अध्याय 26 श्लोक 39 में मिलता है। आइए जानते हैं क्या है वह कहानी। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण परम ज्ञानी था, उसे समस्त वेदों का ज्ञान था। रावण भगवान शिव का भी एक परम भक्त था। बेहद बलशाली रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे स्पर्श नहीं कर सकता था, और ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। दरअसल एक बार रावण कुबेर के शहर लंका पहुंचा था। लंका पहुंचकर उसे वहां का नज़ारा इतना भाया कि उसने अपना आसन वहीं जमा लिया। रावण वहां के मनोरम दृश्य को देखकर मोहित हो गया और धीरे धीरे कामवासना उसे घेरने लगी। तभी उसकी नज़र रंभा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देख रावण खुद को रोक नहीं पाया। उसने रंभा के सामने अपनी बात रखी, लेकिन रंभा जब नहीं मानी तो रावण ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। रावण के इस बर्ताव को देखकर रंभा ने उसे कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। रावण नहीं माना और रंभा के साथ दुराचार किया। इस बात की खबर जब नल कुबेर को लगी तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि यदि किसी स्त्री की इच्छा के बिना वह उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। इसी वजह से रावण चाहते हुए भी माता सीता को छू नहीं पाता था। दोस्तों, ऐसी ही रामायण से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।